तो आज हम देखते हैं कि व्हिप्ड क्रीम और बटर क्रीम से डॉल केक की आइसिंग कैसे की जाती है। तो सारे टिप्स देखने और जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। टिप नंबर 1, जिस भी बर्तन में आप व्हिप्ड क्रीम को बीट कर रहे हैं उसे आप पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें और फिर उसमें आप ले लें 150 ml व्हिपिंग क्रीम। तो आप अगर किसी ऐसे वेदर में रह रहे हैं जहाँ की गर्मी बहुत है या फिर रूम टेम्परेचर काफी है और जहाँ ह्यूमिड बहुत है, तो आप एक बड़ा बर्तन ले लें, उसमें थोड़े आइस क्यूब डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और उसमें फिर ये व्हिप क्रीम का बर्तन आप रख दें। फ्लेवर के लिए आप डाल दें इसमें 2.5 ml वेनिला एसेंस या जो भी आपके पसंद का एसेंस आपको जो डालना है। और यहाँ जो लंडन में व्हिपिंग क्रीम आती है उसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसमें आप डाल दें 1 tsp शुगर। इंडिया के व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा शक्कर होता है, मिठास होता है, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। टिप नंबर 2, आप व्हिप क्रीम को पहले 1 मिनट लो स्पीड में व्हिप करें। आप इसे डायरेक्ट हाई स्पीड में व्हिप बिल्कुल भी मत करिएगा। इंडिया में जो व्हिपिंग क्रीम आती है उसे फ्रीजर में रखा जाता है और यूज करने के 1 या 1.5 घंटा पहले हम उसे निकाल कर फ्रीज में रखते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए और चिल्ड होनी चाहिए। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप बस उसी वक्त उसे फ्रीज से निकालिए। तो 1 मिनट हो चुके हैं, तो आप साइड से इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा ताकि पूरा जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप होना चाहिए, जो किनारे में छूट जाते हैं वो पार्ट नहीं रहना चाहिए। और अब हम जो व्हिपिंग क्रीम है उसको हाई स्पीड में चलाएंगे। तो इंडिया में जो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती थी वो बिल्कुल भी मिल्क बेस नहीं होता था, तो इसलिए वो दिखने में एकदम वाइट दिखते हैं। पर जो यूरोप, US और UK में जो क्रीम मिलता है वो मिल्क बेस होता है, तो इसमें हल्का सा पीलापन ज़रूर होता है। तो जो ये यूरोप कंट्रीज़ में और US में ये क्रीम को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हम अच्छे से डॉल के फ्रॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम से फ्रॉक बनाना या फ्लावर्स बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो क्रीम को आपको तब तक व्हिप्ड करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए। तो देखिए वो करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप लगातार इसे हाई स्पीड में ऐसे ही रोटेट मोमेंट में आप चलाते जाएं और ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद आपका जो ये क्रीम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये देखिए कितने स्टिफ पीक आ गए हैं इसमें। आपको ये तभी तक ही व्हिप करना है, आप इसे ज़्यादा व्हिप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो डॉल केक बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का मोल्ड यूज़ किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से डॉल की फ्रॉक बन जाती है। तो टिप नंबर 3 ये है कि जो व्हिपिंग क्रीम है आप उसे केक बोर्ड में पहले अच्छे से लगा लीजिएगा। अगर आप ये स्टेप भूल गए तो आपका केक बिल्कुल बोर्ड में से फिसल जाएगा, तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो केक जो बना है उसको मैंने 5 लेयर में पहले काट लिया है, तो जो फ्रॉक की लास्ट लेयर है वो हम रख लिए। तो केक का जो फ्लैट पोर्शन होगा आप उसे नीचे के साइड रखिएगा, क्योंकि जो केक है वो बिल्कुल नीचे से फ्लैट होना चाहिए। फिर आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से पूरे केक में कॉर्नर्स तक आप इसे अच्छे से डालिएगा। यही रीज़न है जिससे केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। और साथ में आप एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा पानी बाहर की तरफ गिर रहा है वो आप अच्छे से क्लीन करते जाएं। और उसके बाद आप इसमें डाल दें व्हिपिंग क्रीम। तो जितना व्हिपिंग क्रीम आपको डालना है आप थोड़ा इसको अच्छे से क्वांटिटी को बीच में ले लें। और एक बात और याद रखिएगा कि आपके पास टर्न टेबल जिसमें ये केक मैंने रखा हुआ है, राउंड टेबल, वो आपके पास ज़रूर रहना चाहिए ताकि आपकी जो आइसिंग है वो बहुत ही अच्छे से लगे। तो जो आपका केक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देना चाहिए। और ये देखिए मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ। इसे आगे पीछे करके मैं अच्छे से क्रीम को लेयर कर रही हूँ और जहाँ मुझे कम लग रहा है वहाँ मैं और क्रीम ले रही हूँ। और याद रखिएगा कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो आप आइस क्यूब के ऊपर ही रखिएगा ताकि वो गर्मी से पिघलना स्टार्ट बिल्कुल ना हो जाए। तो लेयरिंग करने के वक्त आप इसे कंटिन्यू क्लीन भी करते जाइए जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रहा है, और जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा क्रीम कम लग रहा है वहाँ पर आप वापस से क्रीम लीजिए और इसे राउंड करते हुए आप लगाते जाइए। कॉर्नर से भी आप इसे एक्स्ट्रा जो क्रीम लगी हुई है वो आप क्लीन करते जाएं। तो जब आप आइसिंग कुछ इस तरीके से करेंगे तो जो केक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगा।
हो सकता है आपको एक बार में ऐसे करने में कुछ ये टफ लगे, बट आप ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। तो आप सारे टिप्स फॉलो करते जाइएगा तो आपसे ये केक बहुत ही अच्छा बनेगा। और थोड़ा प्रैक्टिस भी करिएगा। और ये देखिए जो आइसिंग स्पैचुला है वो मैं कंटिन्यू क्लीन भी करते जा रही हूँ। तो आप इसे पूरा एक इवन लेयर लगाइएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से एक अच्छा लेयर बन चुका है इसमें। तो आप जो दूसरा पीस है वो लीजिएगा केक का। और ये देखिए इसे आप हल्के हाथों से प्रेस करिएगा ताकि जो लेयर है वो अच्छे से चिपक जाए। और सेम प्रोसीजर हम करेंगे, फिर से हम इसमें शुगर सिरप इसको इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका जो ब्रश आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे स्पून से ही डाल दूँ। तो टिप नंबर 4 ये है कि शुगर सिरप डालने के बाद आप उसे सोक होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जब आप उसमें क्रीम लगाएं तो उसमें पानी बिल्कुल भी मत रहे। अगर उसमें पानी रहेगा तो जो क्रीम है वो अच्छे से लेयर नहीं हो पाएगा। देखिए तो आप जो डॉल केक होता है उसकी लेयरिंग छोटी होती जाती है, क्योंकि वो टॉप में जो केक होता है वो छोटा होता है। और हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने बॉटम लेयर में किया था नीचे के लेवल पे। देखिए सेम आप स्पैचुला को साफ करते जाएं और क्रीम लेकर इसमें लगाते जाएं। आप मेरा हैंड मूवमेंट है उसे अच्छे ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें क्रीम लगा रही हूँ। तो अगर आपको आइसिंग स्पैचुला से लगाने में तकलीफ हो रही है, अगर आप पहली बार ही क्रीम लगा रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पाइपिंग बैग में ये व्हिपिंग क्रीम भरिए और फिर आप इसे अच्छे से लेयरिंग करिए, तो आपके लिए लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको बहुत प्रैक्टिस की है, अगर आपने 7-8 केक इसमें प्रैक्टिस करके बना चुके हैं, तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए जो सेकेंड लेयर है वो अच्छे से हो चुका है। तो मैंने अब डाल दिया है थर्ड लेयर। तो अभी मैं जो वीडियो की स्पीड है वो थोड़ा सा हाई कर रही हूँ, क्योंकि सेम प्रोसीजर हम आगे के तीनों लेयर में करेंगे। तो सेम इसमें शुगर सिरप डालकर मैंने इसमें क्रीम लगाया है, देखिए कुछ इस तरीके से। एक बात इसमें ध्यान देने वाली और है कि जो केक है वो आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गरम केक में आप आइसिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। तो केक बनने के बाद आप उसे 2 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दें ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आप गर्म केक में आइसिंग करेंगे तो जो आइसिंग है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केक बनने के बाद भी करीबन 2 घंटे तक गर्म होता है और उसमें अंदर से स्टीम निकलती है। तो आप बिल्कुल आइसिंग करने के पहले ये याद रखिएगा कि जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो चुका हो, और उसके बाद ही आप इसमें क्रीम लगाइएगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं उस वजह से केक बहुत अच्छा बनता है और केक टूटता भी नहीं है और आइसिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो आप ये सारे टिप्स याद रखिएगा। तो अब मैंने इसमें लगा दिया है फ्रॉक का टॉप लेयर। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे, इसमें सिरप डालेंगे और फिर इसमें क्रीम लगाएंगे। तो सिरप डालते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेयर बहुत ही छोटी होती है, तो आप इसमें 1/2 स्पून करके ही सिरप लगाइएगा। और ये देखिए उसके बाद आप लगा दीजिए इसमें क्रीम। बस जो हमारा क्रम कोटिंग है केक का, इसे क्रम कोटिंग कहा जाता है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं जो कैमरा है उसे साइड से करके आपको दिखाती हूँ कि इसे क्रम कोटिंग कैसे करना है। तो क्रीम आप लीजिएगा और इसे कुछ इस तरीके से स्पैचुला को आप चलाते हुए इसे क्रम कोटिंग करिएगा। मैंने जो डॉल का फ्रॉक है वो सामने की तरफ फ्रील ज़्यादा रखा है, तो आप अपने चॉइस के अनुसार जैसे भी कर सकते हैं, या स्ट्रेट फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो ये क्रम कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो केक है वो अच्छे से इसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लें। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इवन होना ज़रूरी नहीं है, आप इसे बस अच्छे से आप क्रीम लगा दें। और टिप नंबर फाइव ये है कि आप ये क्रम कोटिंग करने के बाद इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए आप रख दें, ताकि जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो जाए और पूरा क्रीम का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। और ये देखिए नीचे से भी आप पूरे क्रीम इसमें अच्छे से भर दीजिए। तो जब हम इसमें ऊपर से फ्रॉक बनाएंगे तो जो फ्रॉक है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। तो 1 घंटा केक अच्छे से ठंडा होने के बाद ये फ्लेवर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है। तो टिप नंबर सिक्स ये है कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो आप एक बार फिर से व्हिप करिएगा। कुछ आपको 100 ml का व्हिप क्रीम फिर से लग जाएगा।
सेम प्रोसीजर से आप व्हिपिंग क्रीम करिएगा और उसके बाद आप इसे एक आउटर लेयर दीजिएगा फाइनल कोटिंग। पहला वाला क्रीम आप यूज़ मत करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे केक के क्रम्स होते हैं जो कि फाइनल लुक में अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए सेम हम जो आइसिंग स्पैचुला है उससे अच्छा इवन इसमें आप एक लेयर बना लें। डॉल केक में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो हम फाइनल लेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूरा फ्लावर से कवर हो जाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं अगर ये जो लेयर है आपसे बिल्कुल इवन ना लगे क्योंकि इसके ऊपर हम जो फ्लावर बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा और ये जो आपका अनइवन है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर से आप इसे अच्छे से क्लीन करिए और इसे हाफ एन आवर आधा घंटे के लिए फिर से फ्रिज में आप रख दें। तो फ्रिज में रखने के पहले आप इसमें से एक्स्ट्रा क्रीम बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ये देखिए टेबल आप कंटिन्यू टर्न करते रहिए और रोटेशन मोमेंट में आप इसमें से स्पैचुला को घुमाते हुए क्रीम निकाल लें और इसे फ्रिज में रख दें। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं उसकी बटर क्रीम आइसिंग। तो यहाँ पर आप ले लें 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर और बटर को आप अच्छे से व्हिप्ड मशीन से चला लीजिएगा। जो बटर है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए और ठंडा रहना चाहिए। और ये देखिए आप इसे 2 मिनट तक अच्छे से चलाएं। तो आप मेल्टेड बटर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो बटर है वो थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। आप ऐसा बटर लीजिएगा जिसको आप नाइफ से आसानी से काट सके। तो 2 मिनट आपको व्हिपिंग करने के बाद ये देखिए बटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब ये कुछ इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट बटर हो जाए तब आप उसमें डाल दीजिए 100 ग्राम चीज क्रीम। ये आपको इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। यूरोप, यूएस एंड यूके में तो ये बहुत ही पॉपुलर है, आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में ये मिल जाता है। तो जो चीज़ क्रीम है वो भी ठंडा होना चाहिए और ये देखिए उसे आप अच्छे से 2 मिनट तक चीज़ और बटर को अच्छे से व्हिप कर लीजिए, मीन्स अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो बटर क्रीम आइसिंग है ये गर्मियों के टाइम या जब ह्यूमिड होता है, बहुत बारिश हो रही है बाहर, तब ये बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि इससे जो आइसिंग है वो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो देखिए मैंने इसके बाद इसमें डाल दिया है कंडेंस मिल्क करीबन 200 ग्राम। तो जब आप इसे कंडेंस मिल्क डालकर आप इसे व्हिप्ड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कर्ड टाइप का टेक्सचर आएगा, बट डरने की कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू आप मिक्स करते जाएं क्योंकि जो हमने चीज़ डाला हुआ है उसकी वजह से ये ऐसा रिएक्ट करेगा। और आप इसे कंटिन्यू मिक्स करेंगे जब 2 से 3 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये एक साथ फिर ऐसे मिक्स हो जा रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ, और इससे जब आप कोई फ्लावर्स या फिर पेटल्स बनाएंगे तो इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए जो हमारा फ्रोस्टिंग है बटर क्रीम का वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है क्रीम को पाइपिंग बैग में डालने की। तो आप एक ग्लास लीजिएगा, उसमें पाइपिंग बैग कुछ इस तरीके से डालिएगा और उसमें फिर आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम या फिर जो बटर क्रीम फ्रोस्टिंग है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसमें क्रीम डालने का। तो पाइपिंग बैग में आप पहले नोजल डालिएगा, मैंने इसमें रोजेट नोजल यूज़ किया है जो मोस्टली बारबी डॉल के फ्रॉक के लिए यूज़ की जाती है। तो क्रीम डालने के बाद आप नोजल नहीं डाल पाएंगे इसलिए पहले नोजल डालिएगा बैग में, उसके बाद ही आप क्रीम डालिएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से आप जो पाइपिंग बैग है इसमें अच्छे से क्रीम फिल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो डॉल है वो 2 कलर से बना रही हूँ तो मैंने 2 कोन इसमें यूज़ किया है। तो टिप नंबर 6 ये है कि पाइपिंग बैग से आप थोड़ा क्रीम निकाल लिएगा ताकि उसमें से एयर बबल जो भी हो वो निकल जाए। तो मुझे फ्रॉक वाइट एंड पिंक कलर में बनाना है तो मैंने इसमें पिंक कलर फूड कलर लिया है। क्रीम अलग से निकाल कर उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें एक ऑप्शनल स्टेप है, मैं इसमें टूथपिक की सहायता से कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे किस पोर्शन में पिंक कलर डालना है और किस पोर्शन में वाइट। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पूरा फ्रॉक एक ही कलर में बनाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ईजी हो जाता है। तो पाइपिंग बैग को आप लीजिए और ये देखिए जो भी फ्लावर है वो आप अंदर से बाहर की ओर बनाएं, ना कि बाहर से अंदर की ओर। और अगर पाइपिंग बैग में या नोजल में थोड़ा क्रीम है तो आप उसे क्लीन करें और फिर दूसरी फ्लावर बनाएं। तो ये देखिए बटर क्रीम के कारण कितना स्मूथ जो है वो बनाना भी इजी हो जा रहा है और जो फ्लावर है उसका कितना अच्छा सा डिज़ाइन आ रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसे पिंक और वाइट कलर में बनाती हूँ। तो जो मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर हैं वो इसे व्हिपिंग क्रीम से भी बना सकते हैं क्योंकि ये बटर क्रीम है, इस वजह से इसका
जो कलर है हल्का सा येलो है, ऑफ वाइट है, तो ये देखिए कितना जल्दी जल्दी ये बन जा रहा है। तो अगर आपके पास केक आइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने सब्सक्राइबर को उनके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी मैं केक से या कोई भी रिलेटेड डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है एक डॉल केक बनाने का। तो फ्लावर के लास्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम इसमें डॉल लगाएंगे। ये डॉल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, 50 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक आ जाती है। तो अब हम इसका टॉप बनाएंगे। तो टॉप के लिए मैंने ले लिया है स्मॉल नोजल, स्टार नोजल। सो इससे आप इसका मन चाहा आप कैसा भी इसका टॉप बना सकते हैं। तो जो डॉल के हेयर हैं वो आप पहले थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा ताकि उसमें जो क्रीम है वो बिल्कुल भी ना लगे। और इसके हाथ थोड़े से आप ऊपर कर लीजिएगा ताकि आपको क्रीम लगाने में बहुत ही इजी से ये लग जाए, आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप स्मॉल स्टार वाले कर लीजिएगा। तो अब देते हैं हम केक को एक फाइनल लुक। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है कुछ एडिबल स्पार्कल्स। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप वैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, इससे फ्रॉक का बहुत ही अच्छा एक लुक आता है। और अगर आपके जो केक आइसिंग में कुछ खाली स्पेस बच गया हो तो आप उसे कुछ इस तरीके से फ्लावर्स बना के कवर कर सकते हैं ताकि जो फ्रॉक है वो फुली फ्लावर से डेकोरेट दिखे। और ये देखिए कितनी अच्छी डॉल बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको ये केक आइसिंग की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एगलेस चॉकलेट कप केक कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर ये चॉकलेट टॉपर्स और साथ में ही चॉकलेट गनाश से आइसिंग कैसे की जाती है। आपसे कुछ भी मिस ना हो इसलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो खाली बाउल में ले लें आप पहले पीसी हुई शक्कर। इसके पूरे क्वांटिटी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिर उसमें आप डाल दें दही। जी हाँ, यहाँ पर मैं दही यूज कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर एगलेस चॉकलेट कपकेक बना रहे हैं। फिर आप उसमें डाल दें तेल। तेल आप इसमें वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें डाल दें इंस्टेंट कॉफी पाउडर, ये ऑप्शनल है बट आप ये जरूर डालिएगा। फिर आप उसमें डाल दें वेनिला एसेंस। हैंड ब्लेंडर के हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो शक्कर है और जो तेल है वो अच्छे से दही के साथ मिक्स हो जाए। ये करने में आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। देखिए जो इंस्टेंट कॉफी डाला है उसकी वजह से इसका कलर कितना अच्छे से आ गया है। और आपको ऐसी ही रेसिपी आगे मिलती जाए और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिएगा कि आप इसे मिक्स एक ही डायरेक्शन में करें, आगे पीछे करके या जिगजैग करके आप इसे मिक्स ना करें। इसे आप लो स्पीड में 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते जाइए। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो लोग कर देते हैं और उनकी वजह से कपकेक या फिर जो केक है वो अच्छे से फ्लफी नहीं बनता है, स्पॉन्जी नहीं बनता है। तो आप ये कुछ स्टेप अच्छे से याद रखिएगा। तो आप पहले एक छन्नी लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा आप मैदा। फिर आप उसमें डालिएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अच्छे ब्रांड का ही लीजिएगा। उसमें फिर डालिएगा आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कम यूज किया है। फिर आप इसे छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लीजिएगा। इसका 2 रीजन है। पहला तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और दूसरा इसमें बहुत अच्छा एरिएशन आ जाता है ऐसे छानने की वजह से, और बैटर में इसका कोई लम्स भी नहीं आता है। तो आप ये स्टेप अच्छे से करिएगा। फिर आप इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसे हाफ कट मेथड भी बोलते हैं। तो आप पहले इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करते वक्त भी आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे सेम डायरेक्शन में ही मिक्स करें। जब हम एगलेस केक या फिर कपकेक बनाते हैं तो उसमें दही इसलिए डालते हैं क्योंकि जो बेकिंग सोडा हमने डाला है वो साइट्रिक एसिड से अच्छा रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से फ्लफी बनाता है केक को। फिर आप इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। आप चाहे तो स्पैचुला से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। फिर आप उसमें डाल दीजिए दूध। दूध को यहाँ मैं हाफ हाफ करके डाल रही हूँ।
तो पहले आधा पोर्शन मैंने डाला है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे आप साइड से भी अच्छे से मिक्स कर लें, क्लीन कर लें, ताकि इसका कोई भी पोर्शन छूटे मत। और फिर मैंने इसमें बचा हुआ आधा दूध डाल दिया है और बस मैं एक राउंड और इसमें हैंड ब्लेंडर अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ताकि इसमें कोई लम्स मत रहे और सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। That's it. तो अब देरी किस बात की, जो केक मिक्स है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम डालते हैं कपकेक मोल्ड में। तो यहाँ जो कपकेक है उसमें मैंने थोड़ी सी इसे ऑयल से ग्रीसिंग की है। आप इसमें सिलिकॉन मोल्ड भी यूज कर सकते हैं, आप ऊपर के क्लिप में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आता है मार्केट में। मैं यहाँ पर 6 कपकेक बना रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 12 कपकेक का क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर आपको भी 6 कपकेक बनाना है तो आप वो क्वांटिटी को जस्ट हाफ कर लीजिएगा। तो आप सिर्फ 3/4 पोर्शन तक ही इसे फिल कर लीजिएगा, पूरा आप इसे फिल मत करिएगा। इसको हल्का सा आप 2 बार टैप करें, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए, और जो ये कपकेक का थोड़ा सा अगर मुड़ा हो तो आप उसे हाथ की सहायता से अच्छा कर लें। और प्री हीट ओवन में आप इसे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बेक करें। और ये देखिए कितने अच्छे से ये कपकेक बेक हो रहे हैं। तो मुझे ये बेक करने में 20 मिनट लगे, तो टूथपिक डालकर आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी बैटर नहीं लगा है, इसका मतलब जो केक है वो अच्छे से पक चुका है। और आप उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिएगा। और ये केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ ये कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये कितना अच्छा फ्लफी भी है। और ये मैं आपको अंदर से कट करके भी बताती हूँ, देखिए कितना ज्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी बना हुआ है। और चलिए अब हम इसके लिए बनाते हैं चॉकलेट गनाश की आइसिंग और चॉकलेट टॉपर्स। तो आप एक बाउल में उबलता हुआ पानी ले लीजिएगा और उसमें कोई भी डार्क चॉकलेट या जो भी चॉकलेट फ्लेवर आपको पसंद है वो आप बाउल में करके इसमें डाल दीजिएगा। तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड भी कहा जाता है। और अगर हम चॉकलेट को डायरेक्ट गैस में गर्म करेंगे तो होगा ये बहुत ही जल्दी जल जाती है, इस वजह से इसे गर्म पानी में इस तरीके से रखा जाता है ताकि ये धीरे धीरे मेल्ट हो। अगर आप इसे माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं या इसे मेल्ट कर रहे हैं तो आप 30-30 सेकेंड्स के लिए इसे मेल्ट करिए। 30 सेकंड के बाद इसे निकाल के अच्छे से आप इसे चलाइए और उसके बाद फिर 30 सेकंड के लिए लगाइए। और इसे तब तक करना है जब तक इसमें से सारे लम्स ना चले जाएं और ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास एक सिलिकॉन का चॉकलेट मोल्ड है, तो मैं इसमें पिघला हुआ चॉकलेट कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ। फिलहाल मुझे 3 से 4 चॉकलेट की ही ज़रूरत है, तो मैं उसमें उतना ही फिल करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट इसमें डाल सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो आप कुछ इस तरीके से इसमें पिघला हुआ चॉकलेट डालें, इसे स्पैचुला से या फिर स्पून से आप अच्छे से फैला लें। अगर ये आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप इसे कुछ इस तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, ताकि जो चॉकलेट का शेप है वो बहुत ही अच्छा आए। इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि एयर बबल इसमें से निकल जाए और आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। तो पाइपिंग बैग को आप एक ग्लास में कुछ इस तरीके से डालिएगा, इससे जो चॉकलेट की फिलिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो चॉकलेट जो है वो हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, जैसे मेहंदी का टेक्सचर होता है कुछ उस तरीके से, क्योंकि उससे जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मेरे पास एक वाटर बलून है जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो कुछ दूसरा डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसे सेट होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि चॉकलेट ऑटोमेटिक थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम बाउल में मैंने ले लिया है चॉकलेट, चॉकलेट गनाश बनाने के लिए। आप चाहें तो कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी डार्क चॉकलेट जिसमें 50-60% कोको पाउडर हो। तो यहाँ पर क्रीम आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप उसे चॉकलेट के साथ मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ जो चॉकलेट और क्रीम का प्रोपोर्शन है वो 2:1 है, मतलब 2 भाग इसमें चॉकलेट का हो और 1 भाग इसमें क्रीम का हो। तो देखिए ये कितनी जल्दी से मेल्ट हो गया इसके साथ, क्योंकि चॉकलेट को हमने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। फिर इसके साथ ही आप इसमें मिला दें 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर से इसमें बहुत ही अच्छा शाइनिंग लुक आता है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें नहीं भी मिलाएंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो बटर है और चॉकलेट वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आप इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। तो वाटर बलून का चॉकलेट सेट हो चुका है।
और मुझसे यहाँ एक गलती हो गई कि ये मेरे हाथ से गिर गया, इस वजह से ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसका दूसरे तरीके से इसका डेकोरेशन करेंगे। और जो ये चॉकलेट है ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल कैडबरी का चॉकलेट। तो चॉकलेट की ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसे कैसे भी बनाएं ये बहुत ही अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए। तो मैंने एक और वाटर बलून लिया था, उसे चॉकलेट में कुछ इस तरीके से डिप किया था, मुझे थोड़ा इसमें एग का जो शेल होता है उस तरीके से इसे डेकोरेट करना था, और ये बिल्कुल कुछ हाफ सर्कल में अच्छे से हुआ है। तो अगर आपके पास भी और कुछ आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए जो चॉकलेट गनाश है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो हमें कुछ इसी कंसिस्टेंसी तक इसे अच्छे से गाढ़ा करना है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसे फ्रिज में भी रख के थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसे थोड़ी देर गर्म पानी में रख दीजिएगा। और कुछ इस तरीके से मैंने आइसिंग बैग में इसे अच्छे से भर लिया है और अपनी पसंद का पहले अंदर नोजल लगा लिया है, ये देखिए। तो आप नोजल अपने मन से कुछ भी पसंद कर सकते हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। याद रखिएगा जो कप केक है वो ठंडा होना चाहिए, गरम केक में आप इसकी आइसिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आप एन नंबर ऑफ डिजाइन इसमें बना सकते हैं, आप जब भी कप केक ऐसा बनाए तो मुझे इसका डिजाइन जरूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंस इसमें शेयर करते हैं और फोटोज भेजते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से 4-5 डिजाइन बनाई हैं, आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये जो डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और अगर आपको इमीडिएटली खाना है तो आप इसे बस इस तरीके से डिजाइन बनाएं और आप इमीडिएटली बच्चों को दे सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, मेरे बच्चे और उसके दोस्तों को तो ये बहुत ही पसंद है, तो मैं हमेशा उसके लिए ये बनाती रहती हूँ। तो बेकिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है या फिर अपकमिंग वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये मुझे कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे पाऊं और जो भी रेसिपी आपको चाहिए वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो यहाँ सारे डिजाइन बन के रेडी हो चुके हैं, फिर मैंने जो चॉकलेट टॉपर है कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया है। मेरे पास कुछ चेरीज थी, अगर आपके पास चेरीज ना हो तो आप स्ट्रॉबेरीज या फिर कुछ और ब्लूबेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस डिजाइन में मैंने सिर्फ एक सिंपल चेरी लगा लिया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल रखे हुए थे तो मैंने इससे उससे डेकोरेट कर लिया है। और ये वाले डिजाइन में मैंने सोचा कि छोटे छोटे जो चॉकलेट्स हमने बनाए थे वो इसमें लगा लूं। तो ये देखिए सिंपल और कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। तो मेरे बेटे को तो ये सारे चॉकलेट कपकेक एक साथ ही खाने थे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई केक की रेसिपी। इसमें मैं आपको दो तरीके की डिजाइन बताऊंगी, तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप इसमें मिस ना हो। तो जिस भी बर्तन में आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर रहे हो उसे आप पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि बर्तन अच्छे से ठंडा हो। यहाँ पर फिर आप ले लें 150 ml व्हिपिंग क्रीम और ये याद रखिएगा कि व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आइस क्यूब मेथड यूज कर रही हूँ, जो मेरा वीडियो पहले देख चुके उन्हें पता है कि मैं इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करती हूँ ताकि व्हिपिंग करते टाइम जो क्रीम है वो बिल्कुल गर्म ना हो और एकदम चिल्ड रहे। तो आप ये स्टेप बिल्कुल फॉरवर्ड करके मत देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ दूसरे तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया है। तो पहला 1 मिनट लो स्पीड में चलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि ब्रिटेन की जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो बिल्कुल मीठी नहीं होती है। अगर आपके व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर है तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। फिर यहाँ पर मैं कोई एसेंस ना डालने की जगह मैं यहाँ पर रसमलाई का जो दूध होता है जो इसका मेन फ्लेवर टेक्सचर है वो लाएगा, तो वो मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं इसे हाई स्पीड में व्हिप करूंगी जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक ना आ जाए। तो याद रखिएगा ज़्यादा फ्लेवर के चक्कर में आप इसमें दूध ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो ये स्टिफ पीक बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अगर चाहें तो आप इसे 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इसमें अच्छे से स्टिफ पीक आ गया है, ये करने में आपको 4-5 मिनट ही लगेंगे।
तो रसमलाई का जो कलर होता है येलो कलर, तो मैंने इसमें एडिबल कलर यूज़ किया है, खाने वाला कलर, और इसे मैंने 2 ड्रॉप डाला है। रसमलाई केक का कलर बहुत ज़्यादा पीला या येलो कलर का नहीं होता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा येलो कलर इसमें मिक्स मत कीजिएगा, बट ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत येलो कलर चाहिए, मुझे बस ये हल्का येलो कलर ही पसंद है। तो ये देखिए व्हिपिंग क्रीम को आप डालना कैसा है, तो एक खाली ग्लास लीजिएगा और उसमें आप डाल दीजिएगा आइसिंग बैग, और कुछ इस तरीके से इसमें आप डालिएगा व्हिपिंग क्रीम। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो आज मैं ये आपको आइसिंग बैग से कैसे आइसिंग करते हैं, क्रम कोटिंग कैसे करते हैं, ये बताती हूँ। तो जो केक बोर्ड है उसमें आप पहले क्रीम लगा लीजिएगा, ताकि जो केक है वो बोर्ड में से फिसल के गिरे ना। तो केक आप यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का लीजिएगा और उसे 3 लेयर में काट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो बीच वाला लेयर है उसे सबसे नीचे लगाया है बॉटम में, और फिर उसमें आप डाल दीजिएगा दूध। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कोई शुगर सिरप यूज़ नहीं किया है। रसमलाई केक में जो मेन फ्लेवर है वो उसके दूध से ही आता है, क्योंकि उसमें ही रसमलाई का बहुत अच्छा इलायची और केसर पिस्ता का फ्लेवर होता है। फिर मैंने जो एक रसमलाई है उसे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। तो ये जो जितने भी रसमलाई के टुकड़े हैं आप केक में सभी तरफ अच्छे से इसे लगा दीजिएगा, और फिर ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसमें व्हिपिंग क्रीम लगाइएगा। ये कोन मेथड बहुत ही इजी होता है क्रीम लगाने के लिए। अगर आपको आइसिंग स्पैचुला ठीक से चलाना या करना नहीं आता है, तो आप ऐसे ही इसको कोन से लगाकर आप दूसरा लेयर इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। स्पैचुला से करने से ये बहुत ही इवनली हर जगह अच्छे से लग जाता है। तो जहाँ पर लग रहा है कि क्रीम कम है, वहाँ पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रीम लेकर आप इसे फिर से लगा लीजिएगा। इसकी लेयरिंग जितनी अच्छे से होगी, केक खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। और देखिए कुछ इस तरीके से टर्न टेबल आप कंटिन्यू घुमाते रहिएगा, ताकि इसमें लेयरिंग अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने जो केक का टॉप लेयर था उसे मैंने यहाँ पर बीच में लगाया है। इसका ऊपर का लेयर का मैंने कट कर लिया है, ताकि जो हार्ड पीस होते हैं केक के वो निकल जाएं, और जो मिल्क है वो अच्छे से इसे सोक कर लें। तो केक के ऊपर का जितना एक्स्ट्रा स्पॉन्ज है वो आप कट कर लीजिएगा चाकू के सहायता से। और यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर से जो रसमलाई का दूध है वो इसमें डाल दिया है, और ये करने के बाद मैंने इसे थोड़ा 1 मिनट रख लिया है, ताकि जो दूध है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले केक। और मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट की है, मैंने यहाँ पर रसमलाई के टुकड़े जो छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं, और इसे अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर लिया है। और आप फिर से व्हिपिंग क्रीम लें, और यहाँ कोन में मेरा ख़त्म हो गया था, तो आप ऐसा गलती ना करें, आप कोन फिर से रिफिल कर सकते हैं। तो मैंने तो आइसिंग स्पैचुला के उससे इसमें लगा लिया। तो ये केक का बॉटम हिस्सा है, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसे मैं यहाँ केक में सबसे ऊपर लगाऊंगी। इसकी 2 वजह है। एक तो इसमें आप जो दूध है आप इसे उल्टे साइड से इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जो केक का बॉटम हिस्सा होता है वो बहुत ही प्लेन होता है, तो जो ऊपर केक का हम आइसिंग करेंगे तो हमें एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा इसमें करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं आइसिंग स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ क्रम कोटिंग के लिए। तो टर्न टेबल आप कंटिन्यू ऐसे घुमाइए, और ये देखिए ये करना कितना ही ईजी होता है। ये बिल्कुल इवन अच्छे से ये लग भी जाएगा, और इसमें आपको मेहनत बहुत ही कम लगती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा क्रीम निकाल लीजिएगा, और मैं आप साइड से भी दिखाती हूँ कि आपको ये कैसा क्रम कोट करना है। और ये देखिए साइड से भी आप इसे अच्छे से क्रीम से कवर कर लीजिए, कोई भी इसमें केक का पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि केक जो है वो क्रीम का और जो दूध का फ्लेवर इसी समय एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से। तो जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम है आप उसे निकाल दें, देखिए कुछ इस तरीके से, और बोर्ड को क्लीन करके आप इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। और ये देखिए 1 घंटे के बाद जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 100 ml व्हिपिंग क्रीम फिर से लिया है, तो आप यहाँ पर जो क्रीम है वो फिर से व्हिप करिएगा, पुराना क्रीम बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। और मैंने उसमें फिर से जो रसमलाई का दूध है वो ऐड किया है, और शुगर ऐड किया है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसका फाइनल कोट कर रहे हैं। तो देखिए आइसिंग स्पैचुला में आप लीजिए थोड़ा सा क्रीम, और फिर उसे कुछ इस तरीके से टर्न टेबल घुमाते हुए आप इसे अच्छे से कवर कर लें। और ये देखिए इस साइड से भी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि इस तरीके से आप स्पैचुला में लें
थोड़ा सा क्रीम और उसे इस तरीके से आप zigzag मोशन में आप अच्छे से क्रीम लगाते जाएं। देखिए कुछ इस तरीके से टर्न टेबल आप कंटिन्यू घुमाते जाएं। और जब ये लेयरिंग अच्छे से हो जाए तब मैंने आइसिंग स्पैचुला को अच्छा गर्म पानी में रखा कुछ एक मिनट के लिए और उसे टिश्यू पेपर या कपड़े से आप अच्छे से क्लीन कर लें और फिर इस तरीके से आप इसमें उसे घुमाते जाएं ताकि जो इसके शार्प एजेस हैं वो बहुत अच्छे से आए। तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी केक के लिए क्योंकि इसी से ये जो केक है प्रोफेशनल लुक देता है। और आप ये याद रखिएगा कि स्पैचुला आपको हर बार क्लीन करना है क्योंकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आता है वो आप टिश्यू पेपर या कपड़े में पोंछ लें। और देखिए कुछ इस तरीके से आप टेबल घुमा के इसे फाइन एजेस दें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से स्पैचुला चलाना है। तो यहाँ मैं वीडियो को फास्ट मोड में नहीं चला रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इसे किस तरीके से हम फाइन एजेस देते हैं। ये देखिए आपको ये कंटिन्यू तब तक करना है जब तक इसमें फाइन एजेस ना मिल जाए और उसके बाद आप कम से कम आधे घंटे के लिए केक को फ्रीज में रख दें। तो केक की आइसिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके लिए चॉकलेट सिरप। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ड्रॉपिंग के लिए ले लिया है 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट और उसमें सेम क्वांटिटी 1/4 कप का मैंने ले लिया है क्रीम। और क्रीम मैंने माइक्रोवेव में कुछ 1 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया है, आप चाहे तो इसे गैस में भी गर्म कर सकते हैं। और फिर मैंने इसे चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्रीम जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि उसमें चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर इसमें कोई लम्स हैं तो आप इसे फिर से माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। तो चॉकलेट ड्रिपिंग मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है केक का। तो जब आप चॉकलेट ड्रिपिंग कर रहे हो याद रखिए जो केक है वो अच्छा ठंडा होना चाहिए क्योंकि इसे हमने पहले 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको चॉकलेट के ड्रिप्स बनाते जाएं। तो कहीं पर मैंने ज़्यादा चॉकलेट का ड्रिपिंग किया है ताकि उसका जो ड्रिप है वो नीचे तक आए और कहीं पर कम किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे अच्छे से लगा लें केक पे और आप इसे फ्रिज में रख दें। यहाँ पर अब हम बनाते हैं बटर क्रीम आइसिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे जब तक ये अच्छा सा फ्लफी ना बन जाए। याद रखिएगा कि आप इसमें हार्ड बटर यूज मत करिएगा, बटर ऐसा होना चाहिए कि आप उसे आसानी से नाइफ से काट सकें। और ये देखिए जो बटर है वो अच्छे से फ्लफी हो चुका है। और इस स्टेज में आप इसमें डाल दें 100 ग्राम क्रीम चीज़, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर क्रीम आइसिंग इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो लंदन की व्हिपिंग क्रीम होती है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाती है, तो बटर क्रीम आइसिंग हमेशा हेल्पफुल होती है। तो आप इसको क्रीम डालकर अच्छे से आप 1 मिनट तक मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें डाल दें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, ये देखिए। तो कंडेंस मिल्क भी आप तब तक व्हिप करिएगा जब तक ये अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। हो सकता है कि ये थोड़ा दही जैसा इसका टेक्सचर आए, पर आप इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहें। ये करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप इसे साइड से भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और देखिएगा कि इसका टेक्सचर किस तरीके से है, ये क्रीम आइसिंग करने के लिए अच्छे से रेडी है कि नहीं। जी हाँ, इसमें अच्छे से स्टेप पीक आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से येलो कलर ऐड कर रही हूँ। तो पहले आप 1 ड्रॉप ही कलर डालिएगा क्योंकि ये कलर पर भी डिपेंड करता है, कुछ कलर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रांग है तो मैंने सिर्फ 1 ही ड्रॉप इसमें डाला है। तो आपको जिस भी कलर में चाहिए आप उस तरीके से आप बनाइएगा। तो ये देखिए 1 ड्रॉप कलर से ही इसमें कितना अच्छा सा येलो कलर आ चुका है और बस मुझे यही एक कलर चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर जो रोल है उसके लिए ये वाला नोजल यूज़ किया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे केक में राउंड शेप में घुमाते घुमाते करते जाइएगा। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। और याद रखिएगा कि जो नोजल है वो आप अच्छे से क्लीन करें, जहाँ पर आपने नोजल छोड़ा है आप उसको वहीं से स्टार्ट करिएगा। तो जो नोजल है वो अच्छे से क्लीन रहना चाहिए और ये करने के वक्त आपको हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे छोड़ा था
और स्टार्ट करने के पहले मैंने फिर से नोजल क्लीन किया और वहीं से स्टार्ट किया है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आप आइसिंग कर रहे हो तो केक ठंडा होना चाहिए, तो आइसिंग करने के जस्ट पहले ही आप उसे फ्रिज से निकालें। तो मैं इसके साइड में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, छोटे छोटे फ्लावर्स। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैंने कुछ पिस्ते है उसे अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और ये देखिए, तो जो छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं वहाँ पर भी मैंने थोड़ी पिस्ता रख दिया है। अगर आपके पास गुलाब की सूखी पंखुड़ी या ताज़ा फ्रेश गुलाब भी हो तो आप उसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। मुझे अनलकी ये नहीं मिला यहाँ पर, तो मैं नहीं डाल पाई। तो इसके एजेस में मैं ये छोटे छोटे जो स्टार नोजल होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको अच्छे से फिनिशिंग मिल सके। और अब बारी आती है इसमें रसमलाई रखने की, तो आप रसमलाई से एक्स्ट्रा दूध निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको दूध के साथ इसमें डाल दिया तो ये स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। मैंने यहाँ पर मार्केट वाली रसमलाई यूज़ की है। आपके एरिया में जिस भी टाइप की या आप घर पर भी बनाते हो रसमलाई तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें आप थोड़ा ऊपर से डाल दें उसमें पिस्ता, और मेरे पास कुछ सिल्वर स्प्रिंकल्स थे तो मैंने उससे इसको डेकोरेट कर लिया है। अब बनाते हैं हम सेकेंड डिज़ाइन। तो यहाँ जो सेकेंड केक है उसका फाइनल लेयर मैंने वाइट ही रखा है, उसमें कलर मिक्स नहीं किया है, और सेम मैंने चॉकलेट ड्रिप डाला है जैसा पहले वाले केक में हमने किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये वाली केक की डिज़ाइन मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पर मैंने रोजेड नोजल यूज़ किया है जिससे इसमें मैं छोटे छोटे रोज़ बनाऊंगी। तो आप ये रोज़ अंदर से बाहर की साइड ही बनाइएगा। अगर आपने बारबी डॉल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने यही सेम नोजल उसमें भी यूज़ किया है। अगर आपको कोई और भी फ्लावर इसमें बनाना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बेसिकली ये डिज़ाइन बहुत पसंद है। देखिए ये नोजल कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं पहले ये बताना भूल गई थी इसलिए लास्ट में बता रही हूँ। फिर ये जो खाली स्पेस है इसे मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट करूँगी ताकि छोटे छोटे फ्लावर के बर्ड्स लगे, कलियाँ लगे। तो मैंने इसमें साइड में भी ये फ्लावर्स बनाए हैं, आप चाहें तो इसमें ये पूरे लाइन से भी आप बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स रखे हुए थे केक के, तो मैंने उससे डेकोरेट किया है। सेम अगर आपके पास इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हों ड्राई या फ्रेश तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता इसमें इससे डेकोरेट किया है। फिर जो इसके मैंने एजेस हैं वो मेरे पास कुछ सिल्वर स्प्रिंकल से उससे मैंने उसे डेकोरेट किया है। और ये देखिए केक ऑलमोस्ट रेडी है। और फिर मैंने इसमें रसमलाई रखी है, उसमें से एक्स्ट्रा दूध निकाल लिया है। अगर आपके पास सिल्वर या गोल्डन कलर का वर्क हो तो आप उसमें बिल्कुल लगाइएगा, उससे भी इसका बहुत ही क्लासी लुक आता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें पिस्ता से इसे और अच्छे से डेकोरेट किया है। तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रसमलाई केक की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि घर में ही क्रिसमस केक कैसा बनाया जाए और वो भी इतने प्यारे क्रिसमस ट्री के साथ। तो इसके सारे राग जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो पहला काम आप ये करें कि जिस भी बर्तन में आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर रहे हैं उसे 10 मिनट फ्रिज में रख दें। मैंने यहाँ पर 150 ml व्हिपिंग क्रीम यूज किया है और उसे आइस क्यूब में रखा है ताकि जब मैं इस क्रीम को व्हिप करूं तो वो मेल्ट जल्दी ना हो। उसके बाद आप उसमें 1/4 टीस्पून डाल दें वेनिला एसेंस या जो भी एसेंस आपको डालना है। फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि जो यूके का क्रीम होता है उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होता है। तो जो भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें ऑलरेडी शुगर मिला हुआ है तो आप इसे अवॉइड करें। फिर यहाँ पर लो स्पीड में मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। आपको ये क्रीम को तब तक व्हिप करना है जब तक इसमें स्टिक पिघल ना आ जाए। तो पहले आप 1 मिनट उसे लो स्पीड में करें और उसके बाद आप इसे हाई स्पीड में चलाएं। और देखिए इस स्टेज तक आपको क्रीम को व्हिप करना है। ये देखिए इसमें अच्छे स्टिफ पीक भी बनने लग गए हैं। तो चलिए अब देरी क्यों करना, स्टार्ट करते हैं हम केक का डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने क्रिसमस बेस केक बोर्ड ले लिया है, उसमें पहले आप व्हिपिंग क्रीम लगा लें ताकि जो केक है वो हमारा स्लिप होकर उसमें से गिरे ना।
केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है, तो जो बीच वाला लेयर है उसे मैंने सबसे पहले रखा है। उंगलियों की सहायता से आप इसे बिल्कुल सेंटर में कर लीजिए मेजर करके, और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, इसे अच्छे से आप शुगर सिरप उसमें डालिए ताकि जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बने। उसके बाद आप व्हिपिंग क्रीम लें और उसे एक लेयर आप इस तरीके से लगाएं। देखिए, कुछ इस तरीके से आप मेरा हैंड मूवमेंट देख सकते हैं, और इसे एक बहुत ही अच्छा इवन लुक देना है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि क्रीम कम है वहाँ पर आप क्रीम और ज़्यादा लगा सकते हैं। और जब व्हिपिंग क्रीम की पूरी एक लेयर अच्छे से हो जाए, आप उसमें फिर एक दूसरा लेयर लगाइएगा। तो जो केक का टॉप वाला हिस्सा था वो मैंने बीच में यहाँ पर लगाया है, और फिर आप इसे भी शुगर सिरप आप इसमें डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। शुगर सिरप डालने के बाद आप इसे एटलीस्ट 1 मिनट तक छोड़ दीजिएगा ताकि इसमें जो सिरप है वो अच्छे से सोख हो जाए, और उसके बाद ही आप क्रीम लगाइएगा ताकि क्रीम लगाते वक्त उसमें पानी बिल्कुल भी मत रहे। और ये देखिए, आप पूरा इसे एक इवन लुक दीजिएगा, एक इवन इसमें अच्छे से लेयर लग जानी चाहिए। अगर आपको स्पैचुला से इसे आइसिंग करने या लेयरिंग करने में तकलीफ हो रही हो तो आप इसे आइसिंग बैग से भी कर सकते हैं। आइसिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डालकर आप इसे अच्छे से लेयरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सेंटर में व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा डालिएगा और इसे राउंड करते हुए घुमाते हुए इसे अच्छे से लेयरिंग कीजिएगा। तो लेयरिंग को स्मूथ करने के लिए आप स्पैचुला इसमें कुछ इस तरीके से क्लीन करिएगा, और हर बार आप स्पैचुला को क्लीन करिएगा ताकि जो क्रीम एक्स्ट्रा क्रीम जो निकल रही है वो वापस से केक में ना लगे। और देखिए, कुछ इस तरीके से जहां लग रहा है कि क्रीम कम है वहां आप फिर से क्रीम लेकर उसमें लगाइएगा। तो केक बेक करते वक्त जो उसका बॉटम लेयर था उसे मैं यहां टॉप में लगा रही हूं, और इसे मैं कुछ इस तरीके से शुगर सिरप डाल रही हूं। देखिए, ये करना बहुत ही इजी हो जाता है। और इसके बाद मैं इसे टॉप पे कुछ इस तरीके से रख रही हूं। आप हल्का हाथों से इसे प्रेस करिएगा, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि जो बॉटम लेयर का जो क्रिस्पी पार्ट होता है वो अच्छे से शुगर सिरप को सोक नहीं करता है। इस वजह से मैंने इसमें पहले उल्टे साइड से इसमें शुगर सिरप डाला है। और देखिए, इसकी ये क्रम कोटिंग हमारी रेडी हो जाएगी। इसे केक का क्रम कोट कहते हैं। तो ये क्रम कोटिंग मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ कि कैसा करना है हमें। और ये क्रम कोटिंग करने के बाद आप इसे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और ये देखिए, आप साइड से भी इसमें इसका पूरा क्रीम जो है वो फील कर लीजिएगा ताकि जो केक है वो अच्छे से शुगर सिरप और जो क्रीम का फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर ले। टेबल को राउंड घुमाते हुए आप इसे अच्छे से क्रम कोट कर लीजिएगा। कोई भी पोर्शन इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई पोर्शन खाली रह गया तो इसका जो टॉप लेयर हम करेंगे वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे ये देखिए, आप अच्छे से बोर्ड को क्लीन करके इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। और 1 घंटे के बाद ये देखिए, जो केक है वो अच्छे से क्रीम और शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर चुका है। तो मैंने यहाँ पर 100 ml व्हिपिंग क्रीम फिर से लेकर उसे अच्छे से व्हिप किया है, उसमें फिर से फ्लेवर और शुगर ऐड किया है, और फिर आप इसमें इसका टॉप लेयर करिएगा। आप इसमें जो पुराना व्हिपिंग क्रीम बचा हो वो आप टॉप लेयर में मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जो केक के क्रम्स होते हैं वो फाइनल लुक में बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। तो देखिए, आप इसे साइड से कुछ इस तरीके से कवर करिएगा। टेबल को आप कंटिन्यू राउंड घुमाते रहिएगा ताकि ये हर जगह इवनली लग जाए। देखिए, कुछ इस तरीके से। अगर केक को आपको किसी कलर बेस्ड थीम में बनाना है तो आप इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड करके भी इसे लास्ट लेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइट कलर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। और ये देखिए, अब इसका हम लोग करेंगे जो फाइन एजेस होते हैं वो। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आता है कि वो कैसा किया जाता है, तो आप आगे देखिएगा कि मैं कैसे इसमें फाइन एजेस कर रही हूँ। तो केक को पहले आप साइड से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको केक दिख रहा है या फिर खाली स्पेस दिख रही है वहाँ पर आप क्रीम लगा लीजिएगा। और ये देखिए, आप टॉप लेयर को इस कुछ इस तरीके से क्लीन करिएगा। हर बार आप स्पैचुला को क्लीन करिएगा। तो आइसिंग स्पैचुला में जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रहा है आप उसे क्लीन कर लीजिएगा, उसे वापस से आप केक में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और ये देखिए, केक को कुछ इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आप इसे अच्छे से फिनिशिंग दीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे फाइन एजेस दे रही हूँ।
इसे टॉप के एजेस में हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस करके आप इसमें से क्रीम जो है वो निकाल लीजिएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि स्पेस है, तो मैं यहाँ पर फिर से क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए, ये करने में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तो आप ये चीज़ बिल्कुल आप इसका प्रैक्टिस करना छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आपको आइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कुछ और भी तरीके की आइसिंग देखनी है या कुछ नए डिज़ाइन का आपको आइसिंग सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी से रिलेटेड ही बनाऊँ। तो मैंने केक में जितना भी एक्स्ट्रा आइसिंग था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसे फाइनल टच कैसा देना है। तो जो आइसिंग स्पैचुला है उसको मैंने गर्म पानी में डाल के रखा था एक मिनट के लिए, तो जो स्पैचुला है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और फिर मैं इसमें से जब इसका आइसिंग कर रही हूँ तो हर बार इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक साफ़ टिश्यू पेपर या कपड़ा ले लें आप, उसे क्लीन करते जाएं। और ये देखिए, ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो हर बार आपको क्लीन करना है। और फिर मैं इसे ऐसा राउंड घुमाते हुए इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से शार्प कर रही हूँ। तो याद रखिएगा कि आप इसे क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लोग यही गलती कर देते हैं कि वो वापस से वही स्पैचुला यूज़ कर लेते हैं तो जो शार्प एजेस भी नहीं आते हैं और केक में फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप ये टिप याद रखिएगा। और ये देखिए, आप इसे फिर फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद हम इसमें जो डेकोरेशन का क्रिसमस ट्री है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आइसक्रीम का कोन जिससे हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो इसे आप अच्छे से जिस भी साइज़ का आपको ट्री चाहिए उस साइज़ का आप कट कर लें। मैंने कुछ 4 या 5 पीसेस इसमें डिफरेंट साइज़ का कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो एक जिगजैग वाली जो नाइफ आती है वो यूज़ किया है। फिर आप जो व्हिपिंग क्रीम या बटर क्रीम, आप जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप उसमें ग्रीन कलर मिलाइए। और कुछ इस तरीके से आप इसमें क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। ये देखिए, इसका जो टॉप पोर्शन है वो आप क्रीम मत लगाइएगा क्योंकि वो हमें केक के टॉप में रखने पे इजी होगा। तो मैंने यहाँ पर बटर क्रीम आइसिंग यूज़ की है जो मैंने डॉल केक के लिए यूज़ की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर 4-5 ट्रीज जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं। अगर आप व्हिपिंग क्रीम से जो क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि कटिंग करने के 15-20 मिनट पहले ही उसे डेकोरेट कर लिएगा। जो आइसक्रीम कोन है वो व्हिपिंग क्रीम पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। तो आप केक कटिंग के पहले ही उसे डेकोरेट कर लिएगा। केक के साइड वाले ट्रीज के लिए मैंने जो कोन है उसे वर्टिकल शेप में कट किया है हाफ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे लगाकर आप हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो केक में अच्छे से चिपक जाए। और इसमें आइसिंग करना तो बहुत ही इजी है, बस आप इसे राउंड करते हुए आइसिंग कर लीजिएगा। और ये देखिए, इसमें थोड़ा स्नो का फीलिंग देने के लिए मैंने इसमें आइसिंग शुगर छन्नी के सहायता से कुछ इस तरीके से डाल दिया है। आइसिंग शुगर अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा शक्कर लेकर आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास कुछ क्रिसमस स्प्रिंकल्स थे तो उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। मेरे बच्चे को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। और मेरे पास कुछ फाउंडेन केक टॉपर्स थे, तो फाउंडेन से हम केक टॉपर्स कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए, हमारा जो क्रिसमस केक है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर देरी किस बात की, केक हम कट करते हैं। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी तरीके से फ्रॉस्टिंग हुई है। तो आप इस क्रिसमस केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्रॉस्टिंग की रेसिपी कैसी लगी। हाय गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट व्हील्स थीम बर्थडे केक। इसकी खास बात यह है कि इसमें से जो ट्रैक है वो टर्नल बनाते हुए केक के बीच में से निकलता है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें जो स्पीड ट्रैक का डिजाइन है वो हम पहले बनाएंगे। तो फाउंडेंट का काम आप केक बनाने से पहले करिएगा ताकि इसको डिजाइन बनाते वक्त ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक फाउंडेंट लिया है। इसे आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में पहले इक्वल काट लें। फाउंडेंट आपके हाथ से चिपके मत, उसके लिए आप CMC पाउडर या कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक सिलिकॉन का शीट जिसके ऊपर आप फाउंडेंट का काम करें।
अगर आपके पास सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप थर्माकोल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 सेंटीमीटर के चौड़ाई पे इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो आप इसे बिल्कुल रूलर की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर पे कट करें। देखिए कुछ इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स मैंने काट के रख लिए हैं और फिर मैंने इसे 1 सेंटीमीटर पे फिर कट किया है। तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर शेप का हमारे पास ट्रैक का डिजाइन रेडी हो गया है। तो हॉट व्हील केक को अच्छे से कवर करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है और ये डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है केक पे। और सेम मैंने व्हाइट कलर के फोंडेंट से भी ये कट करके रख लिया है। तो अब बारी आती है बच्चे का केक पे नाम लिखने का। तो ये हॉट व्हील्स का जो लोगो है इसका मैंने एक प्रिंट आउट निकाल लिया है। वैसे तो इसके कटर्स भी आते हैं मार्केट में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी, आप वो ले सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से आप इसका प्रिंट आउट ले लें और उसे रेड फोंडेंट में कट कर लें। इसके अल्फाबेट के लिए मैंने गूगल में हॉट व्हील्स फॉन्ट स्टाइल सर्च किया और कुछ इस तरीके से मैंने अपने बेटे का नाम लिखकर पेपर में इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि घर पे ही कुछ चीज़ों से मैं केक का अच्छे से डेकोरेशन कर सकूँ। तो हॉट व्हील थीम केक हम यहाँ पर बना रहे हैं और उसमें होते हैं येलो स्टार्स। तो मेरे पास एक स्टार कटर यहाँ पर था, आप चाहे तो हाथ से भी स्टार बनाकर ऐसा कट कर सकते हैं। और अब बारी आती है स्टेप टू की। तो मैंने यहाँ पर 1/2 kg का वेनिला केक लिया है और उसे 2 स्लाइस में इक्वल कट कर लिया है। अब हमें यहाँ बीच में ट्रैक बनाना है, ट्रैक के लिए टर्नल बनाना है। तो आप केक को इक्वल हाफ में इस तरीके से कुछ कट कर लें और याद रखिएगा कि आपको इसे बीचों बीच मीन सेंटर से ही कट करना है। और आपने डिजाइन में देखा होगा कि मैंने 2 केक रखे हैं, तो ये प्रोसेस आपको दोनों केक के साथ करना है। तो केक बोर्ड आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। और अब बारी आती है स्टेप 3। तो यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम कोन का एक बॉक्स है, या तो कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स ले लें। याद रखिएगा कि जो उसकी चौड़ाई है वो ट्रैक से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और जो ये केक हमने कट करके रखा है इसकी ऊंचाई कुछ 4 सेंटीमीटर की आई है, तो बॉक्स को हम 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कट कर लेंगे। और सेम इसकी लंबाई नाप के हम इसके लंबाई में भी इसे कट कर लेते हैं। आप इसे छोटा कट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जब हम केक में आइसिंग करेंगे तो वो और ज्यादा स्पॉन्जी बनेगा। अब क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो आप इसे क्लीन फिल्म से कुछ इस तरीके से कवर कर दें ताकि जो केक का आइसिंग है वो ये एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद आप इसे सिल्वर फॉइल से कुछ इस तरीके से कवर कर लें ताकि इसका एक अच्छा सा शेप बन जाए, और फिर अंदर से आप इसे सेलो टेप से चिपका दें ताकि ये ट्रैक में अंदर ओपन ना हो। और अब बारी आती है केक को आइसिंग करने की। तो व्हिपिंग क्रीम और बटर क्रीम की आइसिंग की रेसिपी आपको मेरे डॉल केक में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पहले केक बोर्ड में आप लगाइएगा व्हिपिंग क्रीम ताकि ये जो केक है वो स्लिप होकर बिल्कुल भी ना गिरे बोर्ड में से। केक को अच्छा स्पॉन्जी बनाने के लिए आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप। तो आने वाले और भी केक के आइडियाज मिलने के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप दोनों केक बेस यहाँ पर एक साथ रख लें और उसे शुगर सिरप डालने के बाद व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कवर कर लें। आप दोनों हाफ सर्कल में उतना ही डिफरेंस रखिएगा जितने साइज का आपने बोर्ड कट किया है टनल बनाने के लिए। तो दूसरे लेयर के ऊपर भी आप डालिए थोड़ा सा शुगर सिरप। अगर आपको ज्यादा मीठा नहीं पसंद है तो यहाँ पर आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। तो फिर हम इसमें लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये जो क्रम कोटिंग है केक की वो हो चुकी है, तो आप इसे कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। और अब बारी आती है स्टेप 4 की। तो यहाँ केक को फ्रिज में रखने के कारण इसका जो आइसिंग है वो अच्छे से सेट हो चुका है। उसमें आप डाल दीजिए जो टनल हमने बना के पहले से रखा हुआ था। इसे अंदर की साइड से हल्का सा प्रेस करिए ताकि ये आइसिंग से चिपक जाए। तो ये केक देखकर मेरा बच्चा तो बहुत ही सरप्राइज हुआ था कि आखिर केक के बीच में से कार कैसे जा रही है। और अब बारी आती है स्टेप 5 की। तो अब हम रखेंगे इसमें केक का टॉप लेयर। तो अगर आपने मेरे पहले केक की रेसिपी देखी होगी तो जो टॉप लेयर का शुगर सिरप है मैं कुछ इस तरीके से डालती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि जब इसमें हम व्हिपिंग क्रीम ऊपर से लगाएं तो वो बहुत ही इवनली अच्छे से लग जाए। तो टॉप लेयर में आप यहाँ पर लगा दीजिए व्हिप क्रीम और ये केक को फिर से हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये पूरे केक की अच्छे से क्रम कोटिंग हो चुकी है। तो टनल बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड मैंने यूज किया था उसको क्लीन फिल्म और सिल्वर फॉइल से इसीलिए कवर किया था ताकि जब मैं उसके ऊपर केक रखूं तो वो उसका वजन अच्छे से उठा पाए। अगर मैं उसे वैसा कवर नहीं करती तो इसके पूरे चांसेस थे कि वो बाद में टूट जाता। तो केक में अच्छे से क्रम कोटिंग हो चुकी है और आप इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।
ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब बारी आती है स्टेप 6 की, तो यहाँ मैंने बटर क्रीम आइसिंग यूज की है और उसमें मैंने ब्लू कलर मिक्स किया है। आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरे केक को ब्लू कलर में नहीं कर रही हूँ, कुछ मैंने व्हाइट रखा है और कुछ मैंने इसे ब्लू किया है। तो जो टॉप हिस्सा है उसे मैंने ब्लू कलर किया है और इसे शार्प एजेस दे रही हूँ। तो स्पैचुला को मैंने गर्म पानी में कुछ देर रखा और उसे अच्छे से कपड़े में पोंछ कर कुछ इस तरीके से मैं चला रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग आए। तो जो डिज़ाइन हमने बना के रखा था वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ व्हिपिंग क्रीम के ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ, तो आप इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो ये स्लिप होकर गिर जाएगी। तो यहाँ हम कुछ बनाएंगे चेक के पैटर्न्स। अगर आप केक बेस फोंडेंट पूरा रख रहे हैं तो आप इसे पानी से चिपकाइएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ हो रही है, इस वजह से मैं इसे कुछ इस तरीके से ही चिपका रही हूँ और ये आसानी से इसमें चिपक जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने सेम दो केक बनाए हैं और उसके बीच में से ट्रैक डाला है और जिसे मैंने कुछ केक टॉपर से अच्छे से डेकोरेट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसमें हॉट व्हील फायर भी बना सकते हैं फोंडेंट से, या फिर इसमें रियल कार भी रख सकते हैं केक के ऊपर। तो आइडिया बहुत सारे हैं, आप ये केक बनाकर एक बार जरूर देखिएगा और मुझे उसकी फोटो जरूर भेजिएगा। मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।